शेजाज साहब की बात सुनी वो कहते हैं जी कोई ट्रांसपेरेंसी तो लाए ना अपने जो भी आप हुक्म दे रहे हैं कि जी फायर वॉल हम लगा रहे हैं पहले आप कहते हैं हमें पता नहीं आप तो एग्जैजरेट कर रहे हैं इंटरनेट तो सही चल रहा है फिर उसके तीन दिन के बाद आप कह देते हैं हाँ वाकई इंटरनेट तो वाकई में स्लो हुआ हुआ है हम वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लगा रहे हैं हर जगह बात फैली हुई है कि जी आप फायर लगा रहे हैं आप सेनेटर हैं आप मतलब काफ़ी आप जो है चीज़ों को समझते हैं जानते हैं आपके पास इंफॉर्मेशन है आपको भी नहीं पता कि फायर में क्या हो रहा है मतलब कि किसी को कुछ पता ही नहीं है ये खुफिया स्टेट नहीं आपने बनाया नहीं देखें ये बात नहीं हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कितनी ज़्यादा है आपको पता है कि कभी भी कोई मुहरम के दिन आते हैं तो किसी एरिए में ये इंटरनेट बंद कर दिया जाता है इसलिए कि वो सेफ्टी आवाम की बेहतरी के लिए होता है ये होना चाहिए फायर वाले ना कि प्रोटेक्शन फिर सब के लिए होगी ना कोई ऐसी चीज़ तो है तो जो ले 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 बार स्टेक होल्डर्स वोड़ को कॉन्फिडेंस में ले लेते ले हैं कमेटी में बात जाती जिस तरह जाती है एक बिल प्रजेंट होता जो एक तरीका है पार्लियामेंट का देखे ना अब इस तरह की जो प्रॉब्लम है अब हमारी जो मिनिस्टर आई टी की है वो आके उन्होंने बताया है कि ये वो वी पी एन की उन्होंने बात की आप ये माने के हमारे यहाँ जो फिर एक्स वो जितना यूज़ करते हैं वो सब ने कहा जी वी यूज़ करें तो चलेगा इंटरनेट की कम इंटरनेट जितना कमजोर है फिर कुछ चीज़ें पहले तो वजी अजम और अपने तमाम मिनिस्टरों को कहना कि ना ट्विटर जो इस्तेमाल करना है वो बंद करें वी के जरिए ही हो रहा है और कहाँ से आप आप मैं एक बात है देखें ना हमारे यहाँ भी कितनी मुश्किल हैं हम अब पाकिस्तान का बचा बचा ये चाहता है कि इंटरनेट चले और कोई पाबंदी ना हो लेकिन पाबंदी तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ ऐसी नहीं पाबंदी देखे बाकी एक... मुल्कों में भी जिसना कमर जमान साहब कह रहे थे खोलने से पहले ही उसका मुंह बंद होता है ना वहाँ पे उन्होंने हमारे यहाँ भी है आप कर देखना है हमारे आपको पता है ना हर बंदा इंटरनेट को यूज़ करता हुआ चाहता है कि एक सेकंड में जो चीज़ मैं देखूँ वो सामने मेरे आ जाए फिर ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे आ जाती हैं लोग जिसको मिस यूज करते हैं जैली तो अकाउंट पकड़ने बजाय उसी को खत्म कर दें नहीं, नहीं 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 उसको अब ठीक किया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें वक्त से पहले अगर पकड़ी जाएंगी ये दो चार बंदिश हट जाएगी नहीं मेरा तो ख्याल है इस पर मैं भी सा बंदिश जो है खत्म होनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसपे आपकी कोई जोर नहीं होता पाबंदी करना मजबूरी हो जाती है कि ऐसे ऐसे लोग फिर वो ऑन भी नहीं करते ना कि ये आ, ये अकाउंट जो चला रहे हैं फिर उनको पकड़ना पड़ता है तो बेहतर अच्छा,